नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 भारत और मैं हूं आपके साथ अशोक चौहान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। कोविड 19 व जन स्वास्थ्य को दृष्टिगत रखते हुए जिलाधिकारी सविन बंसल ने चिकित्सा प्रबंधक समिति की बैठक लेते हुए चिकित्सालय में चिकित्सा व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ करने हेतु चिकित्सा उपकरण एवं पर्याप्त स्टाफ तैनात करने की स्वीकृति दी। जिलाधिकारी श्री बंसल ने बेस्ट चिकित्सालय पुरुष व महिला एवं बीडी पांडे चिकित्सालय नैनीताल के चिकित्सा प्रबंधक की बैठक लेते हुए उनके वित्तीय एवं प्रशासनिक कार्यों की समीक्षा के दौरान उन्होंने कहा कि जन स्वास्थ्य एवं कोरोना वायरस संक्रमण को रोकने हेतु सभी चिकित्सालयों में पर्याप्त स्टाफ एवं उपकरणों व दवाओं का होना आवश्यक है। उन्होंने SDRF, CMRF, यूजर चार्जेस व NHM से रिक्त पदों पर उपनल व अन्य आउटसोर्सिंग एजेंसियों के माध्यम से व्यवस्था करने के निर्देश दिए। साथ ही चिकित्सालयों में आवश्यकतानुसार उपकरणों की खरीद भी तत्काल सुनिश्चित की जाए। उन्होंने कहा चिकित्सा प्रबंधन की बैठकों में यूजर चार्जर, सीड मनी, एडवर्टाइज्ड फंड प्रदर्शित किया जाए ताकि सभी मदों से प्राप्त धनराशि का बेहतर सदुपयोग किया जा सके। जिलाधिकारी श्री बंसल ने बैठक में कहा कि जनपद में कोरोना सैंपल की जांच करने के लिए मेडिकल कॉलेज व मुक्तेश्वर IBRI में सैंपलों की जांच की जा रही है। सैंपलों की जांच में अधिक तेजी आए। वीरेंद्र रावत की रिपोर्ट। प्रबंधन समितियों की जो बैठक ली है उसमें चिकित्सा अधिकारियों को आपने क्या निर्देश दिए? हमारे जो मेन हॉस्पिटल है फीमेल हॉस्पिटल बेस हॉस्पिटल हल्द्वानी और बीडी पांडे हॉस्पिटल नैनीताल। सो इसमें फंड पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू CPS, यूजर चार्जेस, SDRF, CMRF उसका समीक्षा किया गया है। और अगर कोई फंड सप्लीमेंट करना है तो वो हमारे पास डिस्ट्रिक्ट लेवल पे SDRF और खनिज फाउंडेशन का भी उपलब्ध है। सो उसमें अभी तक ये पाया गया कि हॉस्पिटल्स के पास सफिशेंट फंड्स अवेलेबल हैं और जो उनकी रिक्वायरमेंट्स थी इक्विपमेंट मशीनरी को लेकर और कंज्यूमेबल्स को लेकर कोविड प्रोटेक्टिव गियर और उनके कर्मचारियों के लिए डॉक्टर्स के लिए अन्य सामग्री हो या कंज्यूमेबल्स हो उसकी अप्रूवल दे दी गई है। और सभी हॉस्पिटल्स में निर्देशित किया गया है कि जो फीवर क्लिनिक्स हैं उसको विधिवत एज पर गाइडलाइन संचालित करें, सेग्रीगेट करें एंट्रेंस पे ही, ट्रायज मेंटेन करते रहें और जो IEC कैंपेन्स हैं वो भी अपने फ्रंटलाइन वर्कर्स द्वारा जारी रखें। इसके साथ ही जो कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग है और हमारा कंटेनमेंट है इस पर स्ट्रेस दें क्योंकि दिस इज द की टू प्रिवेंटिंग फर्दर ट्रांसमिशन। और इसके साथ ही जो अभी हमारे जनपद में कई कंटेनमेंट जोन्स चल रहे हैं रामनगर, हल्द्वानी और इवन नैनीताल, तो वहाँ पर एक्सटेंसिव कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग सर्वे हमारी हेल्थ इंस द्वारा किया जा रहा है। रैपिड एंटीजन टेस्ट काफ़ी मात्रा में किए जा चुके हैं और आगे भी जारी रहेंगे। इसको हमारे रिस्पेक्टिव ACMOs, SDMs लीड कर रहे हैं और सभी लोगों में अवेयरनेस भी जनरेट कर रहे हैं कि दे शुड कम फॉरवर्ड फॉर दिस सर्विस।